इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी शहीद नहीं हो सकता, और सत्ता में बैठे लोग को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एक्शन होना चाहिए। देखिए ये सरकार किस हद तक जा सकती है, जब अतीत जी कहकर के पुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है, तो इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने दिनों तक वो बंद कैसे रहे, ये बतानी चाहिए मुख्यमंत्री को। ये पश्चाताप पहले क्यों नहीं किए? वोट की राजनीति के लिए समाज के अंदर वातावरण को नकारात्मक भाव में लाकर तुष्टिकरण की राजनीति से लाभ नहीं होने वाला। चकल नारा लगा अतीक अहमद का, अतीक अहमद का नारा लगाया जा रहा है कि शहीद रहे, अमर रहे, अतीक को लेकर। देखिए देने की मांग की गई है सर, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी शहीद नहीं हो सकता। जो समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है, सत्य के पथ पर चल करके अपने सिद्धांत को, राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है, वही शहीद हो सकता है। और ऐसे लोगों के पक्ष में जिनकी मानसिकता है, निश्चित तौर पर उस पर न समाज गौरवान्वित हो सकता है, न राष्ट्र गौरवान्वित हो सकता है, और सत्ता में बैठे लोग को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक गलत वीडियो चलाता है तो उसको आप किस हद तक कार्रवाई करवाते हैं, और कोई अपने ही धरती पर बैठकर हमारे बलिदानी शहीदों का अपमान करे, इस राष्ट्र के गौरव गाथा को कलंकित करे, और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं, तो धिक्कार है ऐसे राजनेताओं का।